बिहरत विपिन खंडरति मंदन बिहरत विपिन। राधा हरि के शरण, राधा हरि के शरण, ऐसो वृंदावन मोहि शरण, ऐसो वृंदावन सो वृंदावन मोहि शरण। रसिक अनन्यने मोहन बनते, रसिक अनन्यने मोहन बन, यही है मोहन बन, मोहन बन है ब्रजभूमि। रसिक अनन्यने मोहन बनते, रसिक अनन्यने मोहन बनते, अनत कहूं नहीं तरने, अनत कहूं नहीं तरने। इस बन से अनत कहीं नहीं तरना जाना। व्यास धर्म तजी भक्ति गही, व्यास धर्म तजी भक्ति गही, ता ऊतजी नर कहीं परने, ताहू तजी नर कहीं परने, ऐसो वृंदावन मोहि शरण, ऐसो वृंदावन मोहि शरण, ऐसो वृंदावन मोहि शरण। अत्यंत कठिन लोक वेद धर्म को भी नमस्कार करके श्री वृंदावन की भक्ति की है, वृंदावन का आश्रय लिया है, और ऐसे वृंदावन को भी छोड़ के कोई चला गया तो जीते जी नरक में पड़ गया। इसलिए ऐसो वृंदावन मुहि सरने, ऐसो वृंदावन मुहि सरने। और ये वृंदावन, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं श्री वृंदावन रस पायो, अब मैं श्री वृंदावन रस पायो। श्री राधा चरण शरण मन दीनो, 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 मोहन लाल रिझायो, मोहन लाल रिझायो, सूतो हुतो विषय मंदिर में, सूतो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु तेरी जगायो, श्री हित गुरु तेरी जगायो, अब तो व्यास बिहार विलोकत, अब तो व्यास बिहार विलोकत, सुख नारद मुनि गायो, गायो सुख नारद मुनि गायो, अब मैं श्री वृंदावन रस पायो, अब मैं श्री वृंदावन रस।
अब मैं श्री वृंदावन रस पायो, अब मैं श्री वृंदावन रस पायो। जय जय श्री राधे। इसलिए से ये श्यामा श्याम वृंदावनवासी रसिक अनन्य कहाई अनत रही विषय व्याल बपुलही सही हांसी साधु न बसत असाधु संगम जब तब प्रीति भंग दुख राशी देह गेह संपति सुत दारा अधर गंड भग उरज उपासी। विषयी जीवों के लिए फटकार लगा रहे हैं। पूतन के हित मूत पियत हैं भूत विप्र करी काशी। इतना कड़ा बोलने वाला कोई दूसरा महात्मा नहीं। तिन सो ममता करी हरि बिसरे जानत मंदन तिनहिं बिसासी। स्वार्थ परमार्थ पथ छूट्यो उपजी खाज कोढ़ में खासी। देह बूढ़ बूढ़ो वंश व्यास को बिसर्यो कुंज निकुंज निवासी। यदि ब्रजभूमि बिसर गई तो हमारा तो कुल खानदान ही डूब गया। ये है ऐसा दिव्य श्रीमद वृंदावन है। यदि हरिचरण प्रेमा नंद कदम्बम विडम्बयति। आर्याछंद है। यदि हरिचरण प्रेमा नंद कदम्बम विडम्बयति राधा पदरस वन्यम वृंदारण्यम तदान्य वार्ता का। ये श्रीधाम वृंदावन क्या है? श्री हरि चरण श्री ठाकुर जी के श्री हरि चरण के अनावृत संस्पर्श से मंडित ब्रजभूमि है। श्री ठाकुर जी के चरण कमल में यहां कोई आवरण नहीं है। बिना पदत्राण के श्री ठाकुर जी ब्रज लीला कर रहे हैं। परब्रह्म के चरण तल का बिना किसी आवरण के साक्षात संस्पर्श यहां की रज को प्राप्त है। और ये वृंदावन कैसा है? राधा पद रस वन्यम। ये राधा चरण रेणु ही है। श्री राधा रानी की चरण रज ही है। श्री राधा पद रसाभिषिक्त वृंदावन। श्री ठाकुर जी के आवरण शून्य चरण तल के साक्षात संस्पर्श से दिव्याति दिव्य मनोहराति मनोहर रसमय वृंदावन रसेश्वरी रासेश्वरी श्री राधा रानी की चरण रज से अभिषिक्त अत्यंत रसमय वृंदावन। ऐसा वृंदावन राधा पदरस वन्यम वृंदारण्यम तदान्य वार्ता का। ऐसे वृंदावन को यदि कोई त्याग देता है तिरस्कार कर देता है वृंदावन से मन उखड़ जाता है किसी का मन भर जाता है तो प्रबोधानंद जी कहते हैं कब ऐसे व्यक्ति की चर्चा करके अपनी वाणी को क्या अपवित्र करना। वह व्यक्ति तो नाम लेने के लायक भी नहीं है चर्चा के योग्य भी नहीं है। ऐसी युगल की भूमि। देखो आज लोग कहते हैं इतिहास के लोग के कितने सौ पहले वृंदावन की खोज हुई। पढ़े लिखे लोगों के सब विचार होते हैं। कोई कहता सबसे पहले इस
सन संवत में खोज हुई और अति आधुनिक विचारकों की बात माने तो वे तो ईसा से पूर्व मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं भक्ति काल में और महात्माओं ने मिलकर के खोज कर ली कि ये वृंदावन ऐसी तो कहते हैं कि नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं कहते हैं। अब प्रमाण देते हैं कि 5000 साल पुरानी कोई चीज बताओ, है कोई? आप निरुत्तर हो जाएंगे। 5000 साल में कोई इमारत तो रह नहीं सकती, रह सकती है क्या? सबकी आयु है। लेकिन ब्रजभूमि वही है, वही रज है जिस रज में अनावृत चरणों से श्री युगल ने विचरण किया है, लीला आज भी कर रहे हैं, किया है नहीं कर रहे हैं, वही श्री यमुना जी हैं, वही श्री गिरिराज जी हैं। इनमें तो अंतर नहीं है, मकान तो बनते बिगड़ते रहते हैं, इमारत बनती और ढहती रहती है, पर भूमि वही है, कोई उसमें किंचन मात्र भी भेद नहीं है, अंतर नहीं है। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसी ब्रजभूमि में हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, कि वृंदावन आने के बाद जाते समय रोना आवे दर्शन करने वाले को कि हाय हाय क्या करें, क्या प्रपंच में फंस गए, हाय हाय जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा, ऐसे रोते हुए वृंदावन से जाए। अब वहां जाने के बाद फिर व्याकुल हो जाए कि अब कब वृंदावन जाना है, कब वृंदावन जाना है, ऐसी यदि अंतःकरण की अवस्था बन जाए तो महाराज जी कहते थे तो समझना वृंदावन का दर्शन हुआ। और वृंदावन आने के बाद दर्शन करने के बाद यदि मन में ये भाव, अरे चलो ठीक है हम भी एक बार देखे आए वृंदावन, वहां के पंडों को भी देखे आए, वहां के महात्माओं को भी देखे आए, वहां के पुजारियों, अब सब देख लिया हमने, अब तो हमारी दंडोत है, महाराज जी कहते ऐसा भाव यदि किसी के मन में आवे तो समझ लेना चाहिए कि वृंदावन आने के बाद भी उसे वृंदावन का स्पर्श नहीं हुआ। और महाराज जी कहते थे ये वृंदावन के रस का भाव का प्रकाश धाम निष्ठ संतों की कृपा के बिना संभव नहीं, इसीलिए महाराज जी कहते थे कि धाम में जाए तो धाम निष्ठ संतों का दर्शन करे तभी धाम का दर्शन होगा, उन धामनिष्ठ संतों के दर्शन के बिना धाम का दर्शन पूरा नहीं, अधूरा, पूरा दर्शन तभी होगा। बहुत दूर की बात नहीं है, यहां से नीम गांव कितनी दूर है, हैं? 4-5 किलोमीटर है। और जगतगुरु श्री मारकाचार्य जी महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य कुंजवासी श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज श्री जी महाराज वहां उन्होंने मंदिर की स्थापना की, उत्सव किया, तो उनका भाव जगा के पूज्य पंडित जी महाराज पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज वहां पधारे और आचार्य चरण ने स्वयं आग्रह किया, तो पंडित जी महाराज तो महापुरुषों को बहुत मानते थे तो उनकी आज्ञा टाल ना सके तो चले गए वहां, पैदल पैदल गए यहां से वहां। और जैसे ही सूर्यास्त होने के हुआ कि पंडित जी व्याकुल होकर जैसे कोई छोटा बालक बिलख करके रोने लग जाए ऐसे फूट फूट कर पंडित जी रोने लग गए, उनकी दृष्टि गई, बोले पंडित जी आप विकल कैसे हो रहे हैं, तो पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आपके आदेश को पालन भयो। गिरिराज जी को हाथ उठाकर बोले कि ये अपने निकट ही या दास को रखवो चाहे है? याकू अपने निकट का बात भूलें, क्या कहा, अपनी नजर में रखना चाहते हैं, गिरिराज जी हमें निरंतर नजर में रखना चाहते हैं, अब गिरिराज जी का वियोग सहन नहीं हो रहा है। तब तो आचार्य चंद कहने आप पधारो, तो चलते चलते पंडित जी सूर्यास्त होने के पहले गिरिराज, ये है गिरिराज जी का वास। नीम गांव और गिरिराज जी में अंतर नहीं है, कोई ब्रिज के बाहर नहीं है वो, लेकिन ये है आसक्ति,
धाम में आ सकती। इसको कहते धाम निष्ठा। इसलिए हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, जब पंडित जी महाराज विराजते थे तब की बात, महाराज जी कहते पंडित जी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ तो पंडित जी का दर्शन करके आओ। क्यों? बोले परिक्रमा करी और पंडित जी के दर्शन नहीं भये तो गिरिराज जी के दर्शन पूरे नहीं भये। गिरिराज जी के पूरे दर्शन तब हैं जब पंडित जी के दर्शन हो जाएंगे, तब गिरिराज जी का दर्शन पूरा, तब गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी। ये है धाम निष्ठ। संतों के अनुग्रह के बिना धाम की निष्ठा प्राप्त नहीं होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देह वृंदावन मधिवसिता मुष्टिश्चैक स्पृहा भवेद यत्र। अद्भुत है। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि एक जन्म में यदि मेरा ऐसा सौभाग्य प्राप्त न हो कि हमको ब्रजभूमि का आश्रय मिल सके, तो करोड़ों जन्म साधन करने के बाद भी हे श्री वृंदावन, एक ऐसा देह हमें जरूर देना जिस देह से अखंड ब्रजवास हो। मम अपि मम कोटि भवान्ते, करोड़ों जन्म लेने के बाद भी भवतु परम तादृशो देह, मुझे उस प्रकार का देह मिले, उस प्रकार का शरीर मिले। कैसा शरीर? बोले वृंदावन मधिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेद यत्र। यहां वृंदावन में बात करते हुए रसिकों की जो जूठन, एक मुट्ठी जूठन, रसिकों के एक मुट्ठी जूठन, उनके उच्छिष्ट की हमें मिल जाए और उस उच्छिष्ट को प्राप्त करके मैं अपना जीवन जन्म इस ब्रजभूमि में कृतार्थ कर लूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इसी को व्यास जी ने कहा है, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन साधुन के पनवारे चुन चुन उदर पोसियत सीथिन। यही बात प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि रसिकों ने, संतों ने जो प्रसाद पाया है, उनके पत्तल में जो प्रसाद के कण बचे हैं, उनको बटोर करके 24 घंटे में एक मुट्ठी इन संतों का उच्छिष्ट हमको खाने को मिल जाए और हम ब्रज की रज में पड़े रहें। हे श्रीधाम, हमें ऐसा जन्म इस जन्म में सुलभ न हो तो करोड़ जन्म के बाद भी एक ऐसा शरीर जरूर देना जिससे हम अखंड वृंदावन वास करें। घूर न पैके बीन चिन गटा रक्षा की जे सीतन कुंज कुंज प्रतिलोटी लगे उड़ी रज ब्रज की अंगीतन। नित प्रति दरस श्याम श्यामा को नित जमुना जल पीतन ऐसी ही व्यास रुचे तन पावन ऐसे ही मिलत अतीतन ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन। हरि हरि धिगस्तु मामिह यदति तुच्छेषु लोक धर्मेषु अस्वार्थो स्वति शक्तो विहन्मि वृंदावने प्यहो वासम। हरि हरि अत्यंत कष्ट में कह रहे हैं। हरि 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 कहते हाँ राम 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 राम, बहुत पीड़ा होती
राम 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 राम, हरि 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 हरि। बोले हरि हरि, धिक्कार है धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मैं अत्यंत व्यथित हूं, दुखी हूं। क्यों? अत्यंत तुच्छ त्याज्य हेय लोक धर्मों में आसक्त होकर के मैं अपने श्री वृंदावन वास को नष्ट कर रहा हूं। लोक धर्म में आसक्त होकर के। अच्छा एक बात बताओ, दूसरे के हम सुना रहे हैं तो आपको लगता होगा कि बड़े झूठ बोलने वाले हैं, खुद कहां कहां भटकते रहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची बातें यहां बैठकर बोल रहे हैं। पर सच्ची बात बताओ, ईमानदारी से हम अपने आप से भी पूछें तो बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? आपको किसी ने बहुत आग्रह से बुलाया, आपके वे बड़े प्रेमी हैं, बड़े प्रिय हैं, तो आवश्यकता न होने पर भी आपको उनके भाव को, उनके प्रेम को रखने के लिए जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? इच्छा तो नहीं है पर जाना पड़ता है। गोरे दाऊ जी के पूज्य महंत श्री हरिदास जी महाराज, उन्होंने एक बार हमको कहा कि आप पूज्य भक्तमाली जी को, बाबा को जाकर कह दो, मेरी तरफ से कह देना कि आप शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, आप ब्रज के बाहर न जाएं। हम सब बोले पंडित जी आप तो जानते नहीं हो, शरीर झुक गया है, बहुत अशक्त है, कहीं कुछ घटना घट गई तो महाराज जी, तो महाराज जी उनको तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, पर आप तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, लोग कहेंगे इस अवस्था में उनको घुमाते थे इधर उधर, देखो ये घटना घट गई, अंत में वृंदावन छूट जाएगा। हमने कहा हम ये बात कैसे कहें? बोले तुम मत कहो, हमारा नाम लेकर कह देना। हमने कहा ठीक है। तो महाराज जी मलुक में ही विराज रहे थे, ये बात सन 2005 की है, 2006 में महाराज जी चले गए। तो मैंने महाराज जी को निवेदन किया, मैंने कहा महाराज जी महंत श्री हरिदास जी गोरेदाऊ वाले महंत जी ऐसा ऐसा बोल रहे थे। महाराज जी गंभीर हो गए, बोले वृंदावन से बाहर जाने का कोई भाव, कोई मन नहीं है, हम यहां से नहीं जाना चाहते हैं, पर लोग नहीं मानते हैं, बहुत आग्रह करते हैं, तो हम कहते भाई जाने आने लायक तो नहीं है, उठा ले जाओ और फिर धर जाओ, जाने आने लायक तो हम हैं नहीं। हमने कहा महाराज जी वो कह रहे थे कोई घटना घट गई तो? बोले क्या घटना घटेगी, मृत्यु होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। पहले तो बोले हाथ पांव टूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। अब हम क्या बोलें, महापुरुष गुरुजन बोल रहे हैं, उनके सामने क्या बोलें? तब तक आगे महाराज जी बोले, तत्काल भावाविष्ट हो गए और भावाविष्ट होकर के बोले पंडित जी क्या समझते हो, मैं वृंदावन के बाहर जाता हूं, आधे क्षण भी वृंदावन से बाहर नहीं रहता, जहां मरूंगा पहले वृंदावन प्रकट हो जाएगा। ऐसा कहकर अत्यंत भाव विवल हो गए। मैंने चरणों में प्रणाम करके कहा महाराज जी हम तो आपके स्वरूप को क्या समझें, क्या जानें, निश्चित ही आप वृंदावन के बाहर नहीं रहते। और उनका वह जो धाम के प्रति भाव, उसी की ये दिव्य महिमा के अंतिम क्षण तक श्री वृंदावन का वास उन्हें प्राप्त हुआ। और जैसे कोई गाजे बाजे से जावे ठाकुर जी श्री जी की सन्निधि में, ऐसे पूज्य महाराज जी गाजे बाजे से ठाकुर जी की सन्निधि में पधारे। धाम की निष्ठा, यही बात कह रहे हैं कि लोक व्यवहार में पढ़कर ही धाम को पीठ दिखाकर बाहर जाना पड़ता है। ऐसे लोक धर्म को तिलांजलि दे दो तो छुट्टी है भैया, बुरो मानो चाहे भलो मानो, नहीं जाना तो नहीं जाना। पूज्य परमहंस जी महाराज
श्री जी की कृपा से निरंतर ब्रजवास आपको बना हुआ है। एक ऐसा अवसर आया उधर अयोध्या जी जाने का, महाराज जी से पूछा कैसा आग्रह कर रहे हैं, गुरु जी का उत्सव है। महाराज जी ने एक वाक्य में कह दिया। क्या कहा परमन जी? एक बार जाओगे तो फिर बार बार जाना पड़ेगा। क्या कहा? फिर रह नहीं पाओगे, ऐसा कुछ कहा ना। परमन जी से महाराज जी बोले, एक बार चले गए ना तो आग्रह पूर्वक लोग बार बार ले जाएंगे, इसलिए पहली बार में ही फांस काट दो, मत जाओ। और सही बात है, जाते तो लोग कहते वहां तो गए थे, अब वहां उत्सव है, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो। और सच्ची बात यह है कि बाहर पैर रखा तो मौत के मुंह में चले गए, बच के आ जाए तो ठाकुर जी श्री जी की कृपा, वस्तुतः मौत के मुख में ही चले गए। भजन का बल है नहीं, साधन का बल है नहीं, उपासना ऐसी है नहीं, हृदय वैसा है नहीं। अब सर्व साधन शून्य जीव के लिए यदि कोई बल है, आश्रय है, तो किसका है? केवल और केवल श्री रजरानी का आश्रय है, वृंदावन का आश्रय है। और जिस वृंदावन का आश्रय है वो वृंदावन ही छूट गया तो हाथ क्या लगा? हाथ कुछ नहीं लगा। हम भी कई बार श्री रसिक माधव दास जी को प्रेम के कारण आग्रह करते हैं, लेकिन जब ये नहीं आते हैं तो बहुत से लोग नाराज भी हो जाएंगे हमारी बात सुन के, लेकिन जो मन की बात है उसको तो कह देना चाहिए, मन की मन में नहीं रहनी चाहिए। लेकिन जब आप नहीं जाते हैं तो हमें अधिक प्रसन्नता होती है। अंत में पहले तो थोड़ा बुरा लगता है, बाद में प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छी बात है। हमारा दुष्प्रारब्ध है, हम भटक रहे हैं, पर कोई महापुरुष वृंदावन की रज का आश्रय लेकर के पड़े हैं। हे श्री जी कृपा करो, ऐसी ही रज का आश्रय उन्हें निरंतर बना रहे। हम भी चाहते हैं आप सब संत कृपा करो, प्रकट संत, गुप्त संत कृपा करो कि ये तन मन प्राण ब्रजभूमि के बाहर न जाए। कोई बल नहीं है, यदि केवल कोई बल है तो केवल श्री वृंदावन की रज का बल है। उसको भी पीठ देकर हम लोग पता नहीं कहां कहां भटकते हैं। हरि हरि धिगस्तु, धिक्कार है, धिक्कार है। मामेह यदस्तु यद यदति सुतुच्छेषु लोक धर्मेषु, अत्यंत तुच्छ जो लोक धर्म है, तुच्छ माने त्याज्य, अत्यंत हे अत्यंत तुच्छ अत्यंत त्याज्य जो लोक धर्म है, अस्वार्थे स्वतिशक्तो बिहन्मि वृंदावने प्यहो वासम। ऐसे वस्तुतः व जीव का सच्चा स्वार्थ नहीं है, अस्वार्थ ही है, लेकिन अस्वार्थ को ही स्वार्थ मान करके और हम वृंदावन के वास को त्याग देते हैं, वृंदावन वास को नष्ट कर देते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। प्रायश्चित्तमघानाम् महदपराधे परम शरणम् सकलस्वधर्म मौलिः पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपनम्। मनुष्य पाप से बचना तो चाहता है, सत्संग में बैठने के बाद फिर मन में वृत्ति ऐसी उदित होती है, सात्विक वृत्ति, के अब जो हो गया सो हो गया, अब इन पापों से हम दूर रहेंगे। लेकिन जन्मांतरीय मलिन संस्कार चित्त पर ऐसे पड़े हुए हैं,
कि उन मलिन संस्कारों के कारण बार बार पाप कर्म करता है।